तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रा न्यूज। दोस्तों पहले अपडेट उड़ीसा से आ रही है, जहां पर इंडियन रेलवे का भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का योजना है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा कि उड़ीसा की राजधानी में रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा। स्टेशन रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए वर्तमान में भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण BDA के साथ एक संयुक्त योजना तैयार की जा रही है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए शर्मा ने कहा कि कई सुविधाओं का निर्माण किया गया है और मुख्य फोकस प्लेटफॉर्म कॉन्कर्स, लाइटिंग, वेटिंग रूम, लिफ्ट और शौचालय के विकास पर है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास योजना पहले ही हो चुका है, अब राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर द्वारा स्टेशन पुनर्विकास परियोजना कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की कार्रवाई की जा रही है। शर्मा ने कहा कि इस पुनर्विकास परियोजना में एक प्लेटफॉर्म और दो अतिरिक्त लाइनें जोड़ी जाएगी। अध्यक्ष ने कहा कि विकास कार्यों का रेलवे भाग रेल विकास प्राधिकरण RLDA द्वारा किया जाएगा और शेष कार्य BDA द्वारा किया जाएगा। दोस्तों अगले अपडेट कर्नाटका से आ रहे, जहां पर Tier 2 शहरों में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से शिवमोगा, विजयपुर, हासन और रायचूर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा प्रस्तावित किए जाने के एक दशक से भी अधिक समय बाद परियोजना वास्तविकता के करीब पहुंच रही है। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मंजूरी के कारण पिछले 2 वर्षों में कलबुर्गी और बीदर हवाई अड्डों को शुरू करने के बाद राज्य के 4 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को देखने की संभावना है। शिवमोगा हवाई अड्डे का करीब 45% काम पूरा हो चुका है। वहीं हसन और रायचूर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शिवमोगा हवाई अड्डे पर रनवे का काम आंशिक रूप से पूरा हो गया है और एयरपोर्ट पर अप्रोच रोड, पार्किंग एरिया, इंटरनल एंड पेरिफेरल रोड, एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल, पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, वॉच टावर और CFR बिल्डिंग पर काम प्रोग्रेस पर है। दोस्तों अगली अपडेट झारखंड से आ रही है, जहां पर राजधानी रांची में प्रस्तावित कांटा टोली फ्लाईओवर निर्माण के लिए टेंडर बुधवार यानी 6 अक्टूबर को जारी हो गया है। नगर विकास विभाग की एजेंसी झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जुटको ने टेंडर जारी करने की बात की है। पूर्व में निर्धारित 1250 मीटर की जगह बनने वाले 2224 मीटर लंबे कांटा टोली फ्लाईओवर के हेमंत सरकार में पहली बार टेंडर जारी होगा। फ्लाईओवर का निर्माण कुल 24 महीने में करने का प्रस्ताव है। बता दें कि फ्लाईओवर की स्थिति पर वर्तमान सरकार ने मई और जून 2020 में समीक्षा की थी। समीक्षा में पता चला कि फ्लाईओवर के पूर्व की लंबाई 1250 मीटर थी, जो YMCA से कोकर की तरफ से शांतिनगर तक बनना था। निर्माणाधीन फ्लाईओवर से केवल काटोटोली चौराहे की यातायात को सुगम बनाया जा सकेगा, जबकि बहु बाजार के पास भी निरंतर जाम की स्थिति देखी जाती है। परियोजना की उपयोगिता को और बढ़ाने के उद्देश्य से फ्लाईओवर की लंबाई बहु बाजार की ओर योगदा सत्संग आश्रम के निकट से शुरू करने और कोकर की ओर फ्लाईओवर की लंबाई शांतिनगर तक यथावत रखने का फैसला लिया गया है। इससे फ्लाईओवर की लंबाई 905 मीटर से 2240 मीटर तक कर दी गई है। वहीं परियोजना की लागत 592 करोड़ रुपए से बढ़ाकर करीब 224.94 करोड़ रुपए हो गई है। दोस्तों अगली अपडेट दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से आ रही है, जहां पर दिल्ली मेट्रो के अपने तरह के पहले और इतिहास में उत्तर पूर्वी दिल्ली मेट्रो के फेस 4 के मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर पर सुरघाट के पास एक वाहन अंडरपास के साथ एक एकीकृत फ्लाईओवर सह मेट्रो वायडक्ट संरचना का निर्माण किया जा रहा है। यह PWD फ्लाईओवर और वाहन अंडरपास यमुना नदी के साथ वजीराबाद फ्लाईओवर, सिग्नेचर ब्रिज और DND के पास रिंग रोड के बीच रिंग रोड के समानांतर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का हिस्सा है। दोस्तों अगली अपडेट तमिलनाडु से आ रही, जहां पर तमिलनाडु स्टेट में आने वाला नया पंबन ब्रिज एक इंजीनियरिंग मार्वल के अलावा और कुछ नहीं है। यह दोहरे ट्रैक वाला अत्याधुनिक पुल देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस परियोजना के अगले साल मार्च माह तक पूरा होने की उम्मीद है। नया पुल जो 2.07 किलोमीटर लंबा होगा उन भक्तों और तीर्थयात्रियों के लिए एक वरदान होगा। आने वाले महीनों में पुराने पंबन सी ब्रिज को न्यू पंबन सी ब्रिज में बदल दिया जाएगा, जिसके लिए 280 करोड़ रुपए का अनुमानित राशि का निवेश किया गया है। रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा नया पंबन सी ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा। इसका निर्माण पुराने रेलवे सी ब्रिज के समानांतर ही किया जा रहा है। 2.07 किलोमीटर लंबे नए पुल को अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से बनाया जा रहा है। इससे पहले रेल मंत्रालय ने कहा था कि नए पुल की खूबी यह है कि यात्रा के दौरान जहाजों को गुजरने की अनुमति देने के लिए इसके मध्य भाग को ऊपर उठाया जाता है। तमिलनाडु में बनने वाले नए पंबन सी ब्रिज से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की उम्मीद है। विशेष रूप से तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से हर साल बड़ी संख्या में भक्त रामेश्वर मंदिर और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं। निर्माण होने पर भारतीय रेलवे का नया पंबन ब्रिज 18.3 मीटर के 100 स्पैन के साथ 2 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रा न्यूज के साथ। जय हिंद।